नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। देश में LGBTQ कम्युनिटी को भले ही कानूनी मान्यता मिल चुकी हो, लेकिन समाज में अपनी स्वीकृति के लिए ये लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं। हालात ये हैं कि उनके माता पिता ही उनका साथ नहीं देते। आज इस वीडियो में हम देश के पहले ट्रांसजेंडर पायलट के बारे में आपको बताएंगे, जिनका नाम है एडम हैरी। एडम हैरी को अभी भी इस बात की फिक्र है कि उनका विमान उड़ाने का सपना पूरा होगा या नहीं। 23 साल के एडम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि DGCA ने कहा है कि जो व्यक्ति हार्मोनल थेरेपी यानी कि महिला से पुरुष बनने की थेरेपी ले रहा है, उसे विमान उड़ाने का काम नहीं दिया जा सकता। हालांकि DGCA ने यह भी कहा है कि ट्रांसजेंडरों के पायलट बनने पर कोई पाबंदी नहीं है, बस उसने हैरी से ये कहा है कि वो कमर्शियल पायलट का लाइसेंस पाने के लिए मेडिकल टेस्ट के लिए दोबारा आवेदन करें। एडम हैरी का पायलट बनने का सफर बेहद मुश्किलों से भरा रहा है। एडम के पेरेंट्स को जब यह बात पता चली थी कि वो एक ट्रांसजेंडर हैं, तो उन्होंने उसे घर से ही निकाल दिया था। एडम केरल से ताल्लुक रखते हैं। पायलट बनने की चाहत में उन्होंने प्राइवेट पायलट लाइसेंस की ट्रेनिंग भी ली थी। उन्हें ये लाइसेंस साल 2017 में जोहानिसबर्ग में ट्रेनिंग के बाद मिला था। वो एक कमर्शियल पायलट बनना चाहते थे, लेकिन जब तक अपनी ये ख्वाहिश वो घर में बता पाते, तब तक उनके जेंडर के बारे में उनके घर वालों को मालूम हो चुका था। एडम बताते हैं कि जब मैं जोहानिसबर्ग से ट्रेनिंग करके लौटा था, तभी मेरे परिवार को मेरे ट्रांसजेंडर होने के बारे में पता चला। इसके बाद एक साल तक मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया, यहाँ तक कि वो लोग मुझे एक मनोचिकित्सक के पास ले गए। मनोचिकित्सक ने मेरा गलत इलाज कर दिया, जिसके बाद मुझे घर से भी निकाल दिया गया। हैरी कहते हैं कि क्योंकि घर से निकलते वक्त मैं खाली हाथ था, इसलिए कई रातें मुझे सड़कों पर गुजारनी पड़ी। खाने तक के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं कई रातों को भूखा ही सोया। हैरी बताते हैं कि मैं अपना पेट पालने के लिए जूस की एक शॉप पर नौकरी करने लगा, लेकिन यहाँ भी मेरे ट्रांसजेंडर होने की वजह से मुझसे भेदभाव किया जाता था। इसके बाद मैंने सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट से संपर्क किया, जहाँ मुझे पढ़ाई के लिए अच्छी एविएशन अकेडमी को ज्वाइन करने की सलाह दी गई। लेकिन फिर इसके बाद केरल सरकार ने हैरी की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए उन्हें स्कॉलरशिप प्रदान की थी। उन्होंने पायलट बनने के लिए भेदभाव सहन करते हुए भी कड़ी मेहनत का दामन नहीं छोड़ा। तो ये थी देश के पहले ट्रांसजेंडर पायलट एडम हैरी से जुड़ी पूरी जानकारी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।